सर जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे कि लास्ट टाइम हमारा जो मुद्दा चल रहा था पीटीएस से रिलेटेड और शिक्षा सुधार समिति के बैनर पे काफ़ी हम लोग ने अर्जी वगैरह की थी, और जो अर्जी वगैरह हम लोग ने नगर पालिका में की और सारे जितने कंप्लायंस पूरे करने के बाद इसको हम लोग ने कोर्ट में भी डाला था, जो 6 बच्चों का मुद्दा था जिसकी मेरी पाठशाला नाम से हम लोग ने ठिया आंदोलन भी किया था, वो आप सब लोग जानते हैं उस बारे में। तो उस कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया है 2 तारीख के दिन, और हमको सैटरडे के दिन ये कॉपी मिली है, और कल हम लोगों ने एक लीगल एडवाइज़र जो हमारे हैं बारस्कर साहब, उनसे लीगल एडवाइस लेने के बाद में इसके जो पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं उससे रिलेटेड आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखी है। सर क्या मुद्दे रहेंगे, मतलब जो पॉइंट्स निकल गए उसमें खास पॉइंट्स क्या क्या है? जो सर 6 बच्चों को निकाला है स्कूल ने, हम लोग को नगर पालिका ने हर जगह से ये बताया कि इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हमारे पास कोई राइट्स नहीं है इनके ऊपर दबाव डालने के लिए, या हमारे उसके हमारे राइट्स में ही नहीं आता, हमारे ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता, ये नगर पालिका का हमेशा से कहना था। तो हम लोग ने कोर्ट में जब इसको डाला तो कोर्ट ने लोकल अथॉरिटी को ऑर्डर किया है इसके अंदर सेक्शन 32(2) के अंदर, इसके अंदर सेक्शन 32(2) आप देखेंगे, कामले साहब भी आपको इसके बारे में बताएंगे, जिसके अंदर उन्होंने डायरेक्टली जो लोकल अथॉरिटी है यानी कि महानगर पालिका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको उन्होंने ये का ऑर्डर किया है कि आप लोगों को इसके ऊपर निर्णय लेना है। तो हमको कम से कम ये पता चला कि जो नगर पालिका है वो जिम्मेदार है इसके लिए, सारी चीज़ों के लिए। लेकिन अब तक तो नगर पालिका इससे बच रही थी। बिल्कुल बच रही थी नगर पालिका इससे, ये क्यों बच रही थी और क्यों हम लोग को गुमराह किया जा रहा था ये तो कोर्ट ने अच्छा हुआ हम लोग को बता दिया और उनको भी बता दिया कि आपकी जिम्मेदारी है, ये आपको ही करना है जो भी करना है इनका। तो इसके बाद आगे कदम क्या होगा? इसके आगे के कदम के बारे में ज़्यादा बेहतर होगा कि कामले साहब बताए कि हम लोग प्लान ऑफ एक्शन क्या करने वाले और कैसे करने वाले हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर आपको इसके बारे में गाइड करेंगे सर। जो ऑर्डर है उसके अंदर मोस्टली ये कहा है कि कॉरपोरेशन ने इसके अंदर कार्रवाई करना है, जो भी डिसीजन लेना है और कोर्ट को आधा ये बताना है। हालांकि यहाँ से लेके ऊपर तक एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाली जा रही थी और हम बहुत विचलित थे कि किससे ये काम होगा, कौन इसका जिम्मेदार है। तो अभी हमको तो कम से कम ये पता चल गया कि कॉरपोरेशन ने ये काम करना है। कॉरपोरेशन ने अभी तक क्यों नहीं किया उसके ऊपर भी हम सोच विचार कर रहे हैं। एक्चुअली कॉरपोरेशन ने मतलब बहुत इजी तरीके से ये काम करके मोकले हो सकते थे, लेकिन इन्होंने जानबूझकर इसको लंबा किया। अभी भी वो किसी को मिलने को तैयार नहीं है, हमारे कमेटी में से किसी को हम वो टाइम देने को तैयार नहीं है। मतलब कॉरपोरेशन और स्कूल का कुछ ना कुछ रिश्ता है, मतलब कमिश्नर की घर की लड़की उनके घर पे दी है कि उनके घर की लड़की इनके घर पे दी है पता नहीं, लेकिन उस ढंग से ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है? एक तो रिश्तेदार होंगे इसलिए एक दूसरे को बचा रहे हैं, या दूसरा क्या हो सकता है उसके अंदर? हमको ऐसे लगता है कि आर्थिक कारण भी हो सकता है कि एक दूसरे को वो बचा रहे। तो अब भी हमको समझ में आ गया कि ये जो कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर है, हम लोग अगर इन जनरल भी देखें तो कमिश्नर कुछ काम नहीं कर रहे, और इतना इजी काम कि कॉरपोरेशन ने एक लेटर लिखना है स्कूल को और वो बच्चों को ताबड़तोब स्कूल में लेना है, इतना इजी काम भी वो करने को तैयार नहीं, जिम्मेदारी से झटक रहे। अभी उनको ये काम करना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर है। इसके अंदर भी वो बैठ के रास्ता क्या है वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हमने आंदोलन किया, आप लोगों को सबको पता है, उसके अंदर कुछ गड़बड़ी हुई, उसके बाद में हमको आंदोलन पीछे लेना पड़ा, ये सारा चीज़। उसके बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हमारी भूमिका ये की, लेकिन हम अभी ये चाह रहे कि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन जो है अगर फंडामेंटल राइट होते हुए, बच्चे को अधिकार होते हुए, उसको अधिकार को कोई नकार नहीं सकता ऐसा कानून होते हुए भी अगर उसका अधिकार नकारा जा रहा है, और क्लास 1 ऑफिसर जिनको ये अथॉरिटी है उनके माध्यम से उनके ऊपर जो अगर अन्याय हो रहा है तो हमारे सामने कौन से रास्ते हैं? तो हम ऐसा सोच रहे कि हमारे सामने ऐसे रास्ते हैं कि एक तो ऊपर कि जो प्रशासन है उनका ध्यान इस मामले में बिठाया जाए, या अपने आप को कोई सजा करके लिया जाए। तो ये 2 टाइप के आंदोलन हम सोच रहे हैं। अभी तो हमने ये सोचा है कि हम यहाँ से मशाल यात्रा करेंगे, पद यात्रा करेंगे, जो मुख्यमंत्री के घर पे लेके जाएंगे, और वहाँ पे मुख्यमंत्री को हम पूछेंगे कि भाई आपके राज्य में ये क्या हो रहा है, अगर
इतने छोटे बच्चों को भी न्याय नहीं मिल रहा है तो बड़े लोगों का क्या होगा? तो वो छह बच्चे जो निकाले थे उनका क्या हुआ? वो बाहर है अभी भी सर। अभी तक तो ये पता खबर चल रही थी सूत्रों से कि उनको वापस लिया जाएगा। जी जी, लिया जाएगा ये बरोबर है, लिया गया नहीं है अभी तक, क्योंकि ये खाली कॉर्पोरेशन ने ही नहीं ऑर्डर दिया, ये बाल आयोग ने भी ऑर्डर दिया है, ये उप संचालकों ने भी ऑर्डर दिया है, ये सारे ऑर्डर आके इनके पास पड़ी है। अभी तक क्यों नहीं लिए? क्योंकि बच्चों की पढ़ाई तालीम के ऊपर असर पड़ेगा। हो रहा है, हो रहा है, बिल्कुल असर हो रहा है, और इनका सबका सब एक एक चीज का बैच के साथ सूद के साथ हम उनसे वसूल करेंगे। सर, जिस तरह से ये बच्चों का साल बर्बाद नहीं हो, स्कूल की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, हमने बार बार ये उनको बता रहे कि सूद के साथ हम वसूल करेंगे। जो स्कूलों से बच्चे निकाले गए वो सीआरसी के अंडर में आते हैं, और वही सीआरसी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से सैलरी लेता है वो सीआरसी कैसे ये अप्लाई कर देता है? उस आप सीआरसी से वहाँ पे क्या है? जो सीआरसी के अंडर में आती है, मैं आपको लास्ट टाइम भी यही पूछा था, जो सीआरसी होता है उसके बिना पे, उसके विदाउट परमिशन पे कोई भी स्कूल चाहे वो प्राइवेट हो या वो चल नहीं सकता, तो उसके ऊपर कोई नहीं एक्शन ले जा रहा है। वो उसी का प्रमुख जो है यहाँ लोकल अथॉरिटी जो है वो कमिश्नर है, कमिश्नर लोकल अथॉरिटी का मेन है, वो सारा जो कॉर्पोरेशन एरिया के अंदर जो भी घटना घटेगी उसको सारा के सारा जिम्मेदार कॉर्पोरेशन के कमिश्नर है, और इसलिए हम उनको टारगेट कर रहे हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि नीचे के जो अधिकारी है वो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, वो वसीला के से बैठे, लेकिन कमिश्नर कम से कम वसीला से नहीं बैठे होंगे, उनको अक्कल होगी और उनको वो करना है। सर, जिस तरह से ये जो आपको लेटर आया है कि ये जो इनका अधिकार है वो महानगर पालिका को, तो क्या महानगर पालिका को भी कोर्ट से ऐसा ऑर्डर आया हो कि आप इस पर कार्रवाई करो या इस पर एक्शन लो या इस पर ध्यान दो? सुपरिटेंडेंट ऑफ कोर्ट ने उनको ऑर्डर दिया है, वो कॉपी उनको मिली है, जिला परिषद को वो कॉपी मिली है, दोनों को ये उन्होंने ऑर्डर किया है कि आप ताबड़तोब इसको एक्शन में आओ और वो बच्चों के लिए ऑर्डर करो। अब अगला कदम क्या होगा? अभी हम कल ही उनको ऑर्डर मिली है, हम पूरा मतलब उनको दो चार दिन का टाइम दे रहे, उसके बाद हम आज शिक्षण समिति की तरफ से हम बैठ रहे और आगे का जो एक्शन प्लान है, जो हमको पद यात्रा करना है डायरेक्ट मुख्यमंत्री के घर पर, गए टाइम में भी हम मुख्यमंत्री के घर पर धरना करने वाले थे, लेकिन कलेक्टर साहब ने हमको बुला के लिया एक दिन पहले ही और हमसे बातचीत करके हमको बोला कि नहीं नहीं, इसके अंदर मैं कलेक्टर हूँ और मैं इसके अंदर रास्ता निकालूंगा, लेकिन उस कलेक्टर ने दिया हुआ लेटर को भी इन्होंने लपेट के रखा, और वो जो 2020 का जो जीआर ये बार बार दिख रहे बता रहे, अभी उनके सामने बड़ा सवाल है कि हम क्या जवाब दें, क्योंकि वो फंस गए हैं, कॉर्पोरेशन फंस गई है। फिलहाल कौन कौन से स्कूलों ने बच्चों का जुल्म किया? दो चार स्कूलों के नाम मतलब हमारे पास नाम आ रहे, अभी तक लीगली हमारे पास कोई तकरार आई नहीं है, आती है तो उनका भी मुद्दा हम लेंगे, बिल्कुल साथ में मिलके लेंगे। और हमारे पास आप जो एक्शन लेंगे अब उसमें कौन से स्कूलों का नाम शामिल रहेगा? नहीं, स्कूल के नाम अभी ऐसा नहीं है, लेकिन हमने ग्लोरी के खिलाफ में हमने ऑलरेडी ये दिया है, हमने वो जो विजडम के खिलाफ में दिया है, और एक सरस्वती विद्यालय है उसके खिलाफ में हम लोग एक्शन में मोड में है, जो पेरेंट्स हमारे तक पहुंच रहे हैं वो सारे लोगों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं।